हम कश्मीर के शोपियां में हैं। शोपियां का ये रिबान गांव है जो सरजान बरकती के गांव के नाम से फेमस है, और सरजान बरकती की बेटी सुग्रा आज हमारे साथ हैं। सरजान बरकती वो नेता हैं हुर्रियत के जो इस बार बीरवा और गांदरबल से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम सुग्रा से बात करेंगे कि सुग्रा सबसे पहले बताइए कि कितना लंबा वक्त हुआ कि आपके पिता जेल में हैं। देखिए, आप सबको ये सभी लोगों को बखूबी मालूम है कि पहले मेरे बाबा को 2016 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 4.5 साल उनको जब जेल में बंद रखा गया, तो फिर 4.5 साल के बाद उनको फिर जब रिहा किया गया, तो बहुत बीच बीच में बहुत बार उनको लिया। कभी 2 महीने रखते थे जेल में, कभी 3 महीने, तो बहुत बार उनको लिया। फिर SI ने उनके मेरे बाबा को लिया। 1.5 साल हुआ उनको आज जेल में बंद। जी, अम्मी भी जेल में है। जी, मेरी मामा मदर भी जेल में अभी है, उनको 1 साल हो गया मुकम्मल। अच्छा, ठीक है। ये चुनाव लड़ने का फैसला कैसे लिया उन्होंने? देखिए, असल में फैसला ये मेरा था, क्योंकि सख्तियां अभी हम उठा रहे हैं। माँ बाप के बगैर जिंदगी गुजारना वो हम जानते हैं। हम अभी माँ बाप के बगैर जिंदा यतीम हैं। माँ बाप है लेकिन अभी हमारे सामने नहीं है, तो हमें लग रहा है कि हम यतीमों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये फैसला मैंने लिया, मैंने बाबा के पास गई, मैं बोला बाबा हम आपके बगैर हमने बहुत टाइम गुजारा, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ, अगर हम इस चीज़ में जाएंगे तो इसमें ना कि मैं बाबा की बात कर रही हूँ कि आप रिहा होने चाहिए, ना कि मैं अपनी मम्मा की बात, बल्कि कश्मीर के उन नौजवान जो जेलों में अभी बंद है सभी रिहा होने चाहिए। इस चीज़ के लिए मैंने बाबा को बोला कि हम इस चीज़ में आए क्योंकि हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। जब से बाबा जेल में बंद थे तब तक हमने इस चीज के बारे में सोचा नहीं, लेकिन फिर जब हमारी अम्मी को भी गिरफ्तार किया गया, इसलिए हम उस चीज की हमारी पढ़ाई मुतासिर हुई। मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। सुब्रा, एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि आप साउथ कश्मीर से हैं और आपने नॉर्थ कश्मीर जाकर 2 सीट्स क्यों चुनी और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लड़ने का क्यों चुना? देखिए, वही बात मैं उस चीज का जवाब देना चाहती थी, क्योंकि मैं देखती आ रही हूँ कि उमर साहब बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में बोल रहा है कि हम किसी BJP या किसी ने भी सरकार ने कि हमारे बाबा को जैनापुरा से खड़ा करके जेलों से खिलाफ। अब इसका मतलब यही नहीं कि अगर उमर साहब के खिलाफ कोई लड़ रहा है वो सरकार से जुड़ी नहीं है क्या? उनके खिलाफ लड़ने का हक किसी को नहीं है। और रही दूसरी बात, हम उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। मैं उमर साहब से कहना चाहती हूँ कि हम आपके खिलाफ लड़ नहीं रहे, बल्कि हमारी मजबूरी है। हम इसलिए, अगर उनको सीट मिलेगी, हमें अपने माँ बाप मिल जाएंगे, हम यतीमों को अपना सहारा मिल जाएगा। और रही बात हमें साउथ कश्मीर से, हम साउथ कश्मीर में हमने फॉर्म भरा था लेकिन वहां से हमें रिजेक्ट किया गया। अब क्यों हमने गांदरबल और भीरवा सिर्फ लिया? मैंने पहले भी बोला, जब 2016 में मेरे बाबा को गिरफ्तार किया गया था तो कश्मीर का हर एक बच्चा हमारे घर आया, तो ये मेरी चॉइस थी। मुझे बखूबी मालूम था कि भीरवा के लोग हमारे घर आए, गांदरबल के लोग हमारे घर आए। मैंने सोचा कि अगर हमें इंसाफ मिलेगा तो उन 2 जगह में हर एक नौजवान हमारा साथ दी का रीजन ही है। बाकी हम उमर साहब के खिलाफ नहीं गए वहां पे। मैंने उनको इससे पहले भी एक वीडियो में बोला कि वो हमारी मजबूरी है, अगर उनको सीट जीतनी है तो हमें अपने माँ बाप जीतने हैं, हमें अपने माँ बाप को जेल से रिहा करना है, हमें कश्मीर के नौजवानों को जेल से रिहा करना है। अच्छा, ठीक है। तो अब बाकी भी बहुत सारी सीट्स थी पूरे कश्मीर में। जी, मैंने बोला कि हमें गांदरबल से और बीरवा से सपोर्ट मिला, वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया कि आप इस जगह आइए, आप इस जगह लड़िए, इसीलिए हम वहाँ पे गए। कब ये आपने डिसाइड किया कि चुनाव लड़ना है और कब ये डिसाइड किया कि इन 2 सीट से, कोई डेट या कोई? जी, डेट तो मुझे ज्यादा याद नहीं है, बट ये डिसाइड जब मैं बाबा के पास गई, मैंने बोला हम किस वक्त बाबा से बात करने गए, वो 5 जी जब से बच्ची में हमने बारात, उससे पहले 2 दिन मैं बाबा के पास गई, मैंने उनको बोला कि ऐसा हम जाएंगे वहाँ पे हम बात करेंगे, मैंने उनके साथ जब बात की, हम वहाँ पे ये लड़ेंगे फॉर्म, हम नॉमिनेशन फॉर्म हम भरेंगे वहाँ पे। तो जब वहाँ से हमें रिजेक्ट किया गया, मैंने बाबा को बोला कि कश्मीर का हर एक बच्चा हमारे साथ है, लेकिन क्यों ना हम वहाँ उस जगह जाए जहाँ पे हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। वो रही गांदरबल की बात और वो रही बीरवा की बात, हम इन 2 जगह गए। देखिए, हर किसी सिटीजन का हक होता है, वो किसी भी जगह लड़ सकता है। अब हमें ये बोला जा रहा है, हमारे ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि आप वहाँ पे गए, आप उमर साहब के खिलाफ वहाँ पे लड़ रहे, लेकिन मैं वो बात वहाँ पे श्योर करना चाहती हूँ कि हम उनके खिलाफ नहीं गए, हमारा खुद का डिसीजन था, हम वहाँ पे लड़ने के लिए जाएंगे, हम गए। अच्छा, आपको मुश्किल हुआ बाबा को मनाने के लिए कि इलेक्शंस लड़ना है? जी देखिए, मुश्किल जब मैं बाबा के पास गई, मैंने उनको बोला कि ऐसी बात है, मैंने उनको बोला कि हमें बहुत सख्तियाँ उठानी पड़ती है, मैं खुद पढ़ती थी, मेरा इस साल मैट्रिक का था, मुझे खुद पढ़ने का शौक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2016 में बाबा इस चीज़ के लिए निकले, अब इसका मतलब ये नहीं कि बाबा अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते थे, उनका शौहर
कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता है। मेरे बाबा ने कहा कि आप उनको शौक था मुझे पर मैं खुद जज बनना चाहती हूँ। तो जब मैंने बाबा को बोला कि बाबा हम ये चीज़ करेंगे, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि हमारे घर में मैं खुद बड़ी हूँ, मुझसे छोटा मेरा भाई है जो कि 5th क्लास में अभी पढ़ रहा है, मैं खुद कोर्ट में जाती थी, अदालतों में मैं खुद जाती थी अपने माँ बाप की रिहाई के लिए, वो सब कुछ जब मैंने देखा मैं इतना सहन नहीं, मैं कैसे अपना या घर चलाना था, भाई को पढ़ाना था, माँ बाप की रिहाई के लिए जाना था, उनको मुलाकात के लिए जाना था, स्कूल जाते थे तो अलविदा करने वाला कोई नहीं होता था, घर से वापस आते थे तो ये बोलने वाला कोई नहीं होता था, हमें दिलासा देने वाला कोई नहीं होता था, बहुत सारी मुश्किलें हमें फेस करनी पड़ी। मैं बाबा के पास मुलाकात के लिए जाती थी, जब एक दरवाजे से मामा वापस जाती थी, दूसरे दरवाजे से बाबा वापस जाते थे, उस टाइम वो हमें फेस करना वो बहुत बड़ी मुश्किल आती। मेरी लाइफ का सबसे गंदा वो दिन होता था जब मैं उनके मुलाकात के लिए जाती थी, क्योंकि वो मुझे पता है वहाँ से वापस निकलना वो मेरे लिए क्या होता था। फिर घर मेरा भाई मुझे कभी कहता था बहना हम बाबा के पास मुलाकात के लिए जाएंगे, लेकिन अगर मेरे पास पैसे कभी कभार नहीं होते थे मुझे उनको मैं उसको क्या जवाब दूँ, मैं उसको बोलती कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले जा सकती आपको। लेकिन फिर भी इतना कुछ फेस करने के बावजूद भी हमने जब बाबा को 2016 में लिया हमने इस चीज के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब हमारी मदर को भी गिरफ्तार किया गया तो बस फिर मैंने बाबा के साथ बात की, मैंने उनको बोला कि बाबा जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है। देखिए अगर जेल में कोई होता है उसको एक चीज टेंशन होती है कि बाहर बच्चे है पता, लेकिन जो बाहर होता है उसको सब फेस करना होता है। मुझे कोर्टों में खुद जाना पड़ता, वो मैं जानती थी कि मैं कैसे बहुत सभी के सामने अकेली लड़की का रहना वो मेरे लिए बहुत सीन वहाँ पे गलत होता था। अच्छी सुग्रह एक बात बताओ कि अब आप और आपके भाई हो तो क्योंकि आप बोल रहे हो घर में मैनेज करना भी मुश्किल होता है जी जी, तो चुनाव में तो और बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, फिर वो कैसे मैनेज? देखिए वो मुझे कश्मीर के नौजवानों पे भरोसा है, उन्होंने हमारा इससे पहले भी साथ दिया है और इससे आगे भी साथ देंगे। अभी बीरवा की अगर मैं बात करूं मैं वहां पे गई भी नहीं, अभी मैं ओनली फॉर्म भरने के लिए वहां पे गई हूं, तब से आप वीडियो देखिए कि पोस्टर्स कैसे बनाए जा रहे हैं, आप गांदरबल का वीडियो देखिए वहां पे लोग खुद पोस्टर्स बना, मैं जब देखती हूं तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं कि सच में मेरे बाबा ने जब इनके लिए कुछ किया है तब ये सब, ये आप वीडियोस खुद देखिए प्रूफ है। अब वो बीरवा से लोग वहां से भाई मेरे फोन कर रहे हैं, मेरे जवान फोन कर रहे हैं कि आपको बहन आपको सिर्फ आना है, आपको सिर्फ आगे आगे जाना है, हम आपके पीछे पीछे रहेंगे, हम भरपूर साथ देंगे आपको, फिर जीतना हारना वो अल्लाह ताला की रजा ही है। मैं इससे पहले भी मैंने इनको बोला कि हमें सीट नहीं चाहिए, हमें माँ बाप की जरूरत है, हमें कश्मीर के उन नौजवानों की जरूरत है जो जेलों में बंद है, क्योंकि ये जेल हमने देखा है कि इसमें कितना सितम देखना पड़ता है। जब मैं कुलगाम कोर्ट जाती थी तो एक माँ ऐसी थी जिन्होंने मुझे बोला कि बेटी मेरी दोनों बाजू अभी जेल में बंद है, मेरे दो बच्चे, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी जब उसने रो रो के मुझे बोला कि आपके माँ बाप भी जेल में बंद है, मैं खुद, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरे दो ही बेटे थे वो भी जेल में बंद है। तो ये सीन दिमाग में आना कि जेलों में अभी जो जेलों में बंद है, अगर मैं सिर्फ अपने बाबा माँ बाप के लिए नहीं लड़ूंगी बल्कि कश्मीर के उन नौजवानों के लिए भी लड़ूंगी जो भी जेलों में बंद है। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है ऐसा क्या आपके बाबा ने नौजवानों के लिए किया है जो वो उनके लिए साथ में लड़ रहे हैं आपके साथ? देखिए अगर मैं बात 2016 की करूं कि 2016 में हर कोई निकला सिवाय मेरे बाबा नहीं निकले। चलो उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब मेरे बाबा 2016 में निकले उन्होंने मासूम बच्चों का नहीं सोचा, उन्होंने हम यतीमों का नहीं सोचा, हमें छोड़ के कश्मीर का साथ दिया, उन्होंने बेसहारा बीवी का नहीं सोचा, उनको छोड़ के कश्मीर का साथ दिया, जेल में बंद रहे किसके लिए, कौम के लिए, कश्मीरी कौम, ये सभी को अगर मैं बोलूं कि मैंने नहीं मेरे बाबा ने कुछ नहीं, लेकिन ये सबको पता है ना कि मेरे बाबा ने 4.5 साल जेल में बंद रहे हैं किसके लिए, कश्मीरी कौम के लिए। जब उस वक्त कश्मीरी कौम मेरे बाबा के साथ था तो इस वक्त ऑब्वियसली मुझे पता है कि कश्मीरी मुझे कितने सारे कॉल्स आते हैं कि बहन आप वहां से लड़ो, बहन आप यहां से, सोपोर से मुझे फोन आ रहे हैं कि आप यहां से लड़ो उस जगह से, लेकिन हमने आप गांदरबल और ये इसलिए चुनो क्योंकि वहां से बहुत सारे फोन मुझे आए, मुझे बीरवा से बहुत सारे, और बीरवा के बहुत सारे नौजवान जब बाबा जेल में थे वो हमारे घर आते थे, गांदरबल के बहुत सारे लोग आते थे हमारे घर, इस चीज के लिए हमने दो गांव हमने चुने। अच्छा हमेशा से ऐसा माना जाता था कि हुर्रियत जो इलेक्शंस है उसको बॉयकॉट करता है या उसके खिलाफ है, 1987 के बाद कभी ऐसा नहीं हो कि किसी हुर्रियत लीडर
ने ऐसे मेन स्ट्रीम में आके वो किया हो, तो आपको नहीं लगता कि ये अलग तरह का चेंज है कि कोई हुर्रियत का इतना बड़ा लीडर अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट कर रहा है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में? जी जी, वो बात सही है, बट एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, रिलीजियस लीडर भी होना चाहिए इस चीज में। अब ये नहीं कि अब मेरे बाबा कल को बोलेंगे वो भी पॉलिटिकल जैसे बाकी सियासत कर रहे हैं वो भी यही करेंगे, कहीं वो ये बात भी करेंगे जो कश्मीर के नौजवानों में जो आज ड्रग्स सबसे बड़ी बात वो ड्रग्स कर रहे हैं उस चीज पे बात करेंगे, इस्लाम के बारे में कुछ बोलेंगे। अब मैं नहीं बोल रही कि अब बाबा बाहर आएंगे तो वो इस चीज में सोचेंगे, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ मेरा सबसे जो अगर हमने जीता इंशाल्लाह तो मेरा सबसे जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन से जो एग्रीमेंट होगा वो यही होगा कि कश्मीर के नौजवानों को जेल से बाहर निकाले। सबसे पहला मेरा मकसद यही है कि कश्मीर का कोई भी नौजवान जेल में बंद नहीं रहना चाहिए। जी, एक ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है मन में कि अब जब ये सारा पॉलिटिकल सिचुएशन बदला है तो आपको क्या लगता है 370 के बाद अभी और 2016 बुरहान वानी के बाद से अभी तक आप क्या चेंजेस देखते हो अपने आसपास, अपने साउथ कश्मीर में या बाकी जगह? देखिए देखिए, अगर मैं चेंजेस की बात करूं मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं अगर अपने अपनी ओपिनियन आपको बोलूं क्यों नहीं दिख रहा है, मैं अपने भाई की और अपने खुद की बात करूं, जितना जुल्म हमारे ऊपर हुआ है मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर इतना जुल्म। हम दो मासूम बच्चे थे जब हमारे बाबा को गिरफ्तार किया गया। आप मेरे वीडियोस देखिए, मैं खुद निकलती थी वीडियोस में कि मैं मीडिया पे जाती थी कभी श्रीनगर प्रेस कॉलोनी हाजक, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने हमारी, आप देखिए किसी ने हमारी बात की है कि ये दो मासूम बच्चे घर पे है। जब हमारी मम्मा को भी गिरफ्तार किया गया तो हमने वो उम्मीदें छोड़ी कि अरे हमारे साथ हो क्या रहा है, पहले बाबा को गिरफ्तार किया फिर हम हमारी मम्मा को गिरफ्तार किया, हम दोनों मासूमों को ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मैं मुझे कुछ नहीं दिखा कि हमारे अगर पिछली सरकारों ने कुछ किया होता तो हम दोनों भाई बहन को ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो अभी हमारे माँ बाप जेल में बंद नहीं होते, अभी हमारे माँ बाप हमसे जुदा नहीं होते, अभी हम दोनों भाई बहन जिंदा यतीमों की तरह नहीं होते, हम भी अपने माँ बाप के साथ खुश होते। पहले जैसे इलेक्शंस होता था तो पॉलिटिकल किलिंग्स होता था, बहुत सारा टैक्स होते थे, बहुत सारी है ना चीजें होती थी, उतना इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी जी। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन सुधरा है या कुछ बदला? देखिए मैं इस सियासत में मैंने इसमें कभी नहीं, मैंने आपको बोला कि मैं मैट्रिक मुझे इस साल का था, मैं इस चीज में नहीं आई। मेरा इस चीज में आने का यही मकसद है कि मुझे माँ बाप को जेल से बाहर निकालना है और कश्मीरी नौजवानों को। बाकी रही बात ये किलिंग वगैरह, उस चीज में मैं ना कभी घुसी हूँ ना इसके आगे मैं इसमें घुसूंगी। जी जी। बहुत सारे सेपरेटिस्ट लीडर है, कुछ उन्होंने पीडीपी ज्वाइन किया अभी रिसेंट में, तो क्या आपके बाबा भी ऐसा कुछ आगे जीतने के बाद है कुछ ऐसा? जी, वैसी बात इंशाल्लाह नहीं होगी, बट मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मेरी सभी से अपील है, चाहे वो इंजीनियर रशीद साहब है, चाहे वो उमर साहब है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी है, जो भी ये लीडर्स है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको बहुत टाइम हुआ है इसमें आते हुए, हम उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन उनसे एक अपील करना चाहती हूं मैं कि अभी हम आप जब आप कहते हैं कि हम कश्मीर मजलूम कश्मीरियों के साथ है, तो अभी इस वक्त हमारे जैसा मजलूम कोई नहीं है, वो हमें सपोर्ट करें। मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सीट की जरूरत नहीं, हमें माँ बाप की जरूरत है, हमें कश्मीर के नौजवानों की जरूरत है जो अभी जेलों में बंद है। हम भी देखते हैं अगर सच में उनको कश्मीर की दर्द है, अगर सच में वो मजलूम की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों भाई बहनों के अलावा कोई हमसे कोई ज्यादा मजलूम हो सकता है। अच्छा, इंजीनियर राशिद के आपके इंस्पिरेशन है क्योंकि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया है इतना बड़े सीट पे? देखिए अगर मैं उमर साहब की बात करूं, वो बोल रहे हैं कि मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि वो बोल रहे हैं मेरे खिलाफ हुआ है, बट ऐसी बात नहीं, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के बोल रही हूँ, हम उसके खिलाफ नहीं है, ना ही हम ना हमारी उतनी औकात है कि हम उनके खिलाफ जाएंगे। रही बात हम इंजीनियर रशीद साहब की, मैं उम्मीद करूंगी जैसे साउथ कश्मीर से अबरार भाई को सपोर्ट मिला, मैं उम्मीद करूंगी कि मुझे उस साइड से भी वैसे ही सब वो हमें सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि उनका दर्द और हमारा दर्द सेम है। उनके बाबा जेल में बंद है, अभी इस वक्त हमारी मम्मा जेल में बंद है, हमारे बाबा जेल में बंद, वो हमारा दर्द समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करेंगे। इलेक्शंस लड़ने से पहले कभी अबरार भाई साहब की बात हुई कभी? जी कभी भी नहीं। जी नहीं, मैंने कभी उनके साथ किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने आपको कॉल किया इस फैसले के बाद या किसी हुर्रियत नेता ने आपको फोन किया? नहीं, बहुत सारों ने मुझे फोन किया। अब मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
उन्होंने मुझे बहुत सारों ने फोन किया कि आप हिम्मत मत हारो जब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ. अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे कि हमें कौन सपोर्ट करता है. असल में बात सपोर्ट करने की है. हम देखेंगे हमें हमारा सपोर्ट हमें कौन सपोर्ट करेगा. बात यह है, फोन बहुत सारों ने किया कि आप हिम्मत मत हारो. मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ. किसी बड़े नेता का नाम लेना चाहेंगी जिन्होंने आपको कॉल कर दिया? अब नेम, अब मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन शुक्रिया अदा उनसे, वो खुद जिन्होंने मुझे फोन किया होगा उनको खुद पता चलेगा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ. उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे उस, लेकिन सपोर्ट की बात अब है. अब देखते हैं हम कि हम मजलूमों को, हम यतीमों को कौन सपोर्ट करता है. कैसे प्रचार करेंगी, क्या प्लानिंग किया, कैसे, कितने दिन में कहाँ जाएंगी, कितने गाँव जाएंगी, कितने घंटे प्रचार करेंगी? जी जी, हमारा गांदरबल और भीरवा से है, हम दोनों जगह पे हमें जाना है. आप और आपका भाई दोनों जाएंगे? जी, मेरा भाई और मैं. अब बात हम क्या करेंगे, मैं खुद सोच रही हूँ कि अब टाइम भी उतना ज्यादा नहीं है. एक पॉइंट छोटा सा मेरा है, आपका भाई और आप दोनों अभी 18 प्लस नहीं है, आप दोनों वोट भी नहीं दे सकते अपने पिता को, तो उस लिहाज से आपको प्रचार करने में कैसे आपने प्लान किया है? देखिए, अगर मैं उस चीज की करूँ, मैं 2016 से यही देखती आ रही हूँ. मैं खुद अपने माँ बाप की, हाँ अगर मैं छू उम्र से कम हूँ, लेकिन अब वो दिमाग बन गया है मेरा कि कहाँ पे कौन सी बात करनी है. क्योंकि जब 2016 से खुद मैंने बात की बाबा के लिए, पहले दिनों मुझे होता था, मैं शिवरिंग होती थी, मुझे डर थी, लेकिन फिर आगे आगे मैंने क्या सोचा, मैंने कहा मुझे अपना जो हमारे ऊपर जुल्म हो गया मुझे यही बयान करना है, जो हमारे साथ हो गया है तो इसमें बोलने में क्यों डर है. जी, फिर हम मैंने यही प्लान किया है कि हम अगर गांदरबल और भीरवा जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, अजान एक दिन वहां पे जाएगा, मेरा भाई अजान बरकाती, और दूसरे दिन मैं भीरवा जाऊंगी. क्योंकि यहाँ से टाइम कम है, टाइम बहुत ज्यादा कम है. अब मैं क्या करती, मैं दोनों जगह खुद जाती, लेकिन वो हो नहीं पाएगा. जाना हमें एक एक करके, अगर अजान एक जगह जाएगा दूसरी जगह मैं जाऊंगी. जी, तो आपने कैसे सिखाया है, अजान तो बहुत छोटा है, उसे कैसे, वो कैसे तकरीर देगा, कैसे बोलेगा वहां पे इलेक्शंस में, क्या मुद्दे होंगे जिसको आप उठाओगे, क्या नारे होंगे जो आपने प्लान किए हैं कि आप प्रिपरेशन के बारे में? वो बात, मेरा सबसे पहला नारा यही होगा कि जुल्म का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से, हम यतीमों का बदला वोट से, जुदाई का बदला वोट से, मेरे माँ बाप का बदला वोट से, कश्मीर के नौजवानों का बदला वोट से, सबसे पहला नारा मेरा ही होगा. और मैंने बहुत सारे तराने, कश्मीरी तराने बनाए हैं जो मैंने खुद अपने अल्फाजों में लिखेंगे. इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ पे बोलती, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं होगा, आप उस दिन देखेंगे जब मैं वहाँ पे वो बोलूँगी. रही बात अजान की, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें सीखना नहीं है भाई बहन को कि हमें क्या बोलना है. अजान के जहन में मैंने सिर्फ एक बार डाली कि जो हमारे साथ हो वहाँ पे वो बयान कर देना, लोगों को बोल देना कि हमारे साथ क्या हुआ है. मैं कश्मीरी कौम को बखूबी जानती हूँ कि कश्मीरी कौम समझेगा, कश्मीरी कौम हर एक, हर उनको पता है कि ये कोई, हम अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप ड्रामा करें, लेकिन जानते हम हैं. जैसे उर्दू में कहते हैं कि इल्म की कदर किसी अलमी से पूछो, माँ बाप की कदर किसी यतीम से पूछो, वो हमारे ऊपर हुआ है. अब फर्क इतना है कि जिंदा माँ बाप होने के बावजूद भी हम यतीम नहीं देख रहे हैं. अजान को मैंने बोला कि आप काम कीजिए, जो हमारे साथ हुआ है आप वहीं पे वहाँ पे वो बयान कीजिए. लेकिन अब मैं खुद उनके साथ, जब वो छोटे हैं, उनको ज़्यादा वो उनको शिवरिंग होती है बात करने में, वो मैं समझती हूँ, लेकिन अब करना है, ये हमें माँ बाप के लिए लड़ना है. और मुझे बखूबी मालूम है कि कश्मीर का हर एक नौजवान मेरा साथ देगा, खुसूसन भीरवा और गांदरबल के लोग जो भी अब हमें अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे. बिल्कुल, एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ. उमर अब्दुल्ला है क्योंकि सामने, तो क्या लगता है इलेक्शंस का क्या होगा? देखिए, मैंने उमर साहब से इससे पहले भी बोला कि आपको सीट चाहिए तो हमें माँ बाप चाहिए. उन्होंने, वो बहुत बार इसमें गए हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है. मैंने उनसे अपील भी की थी कि अगर वो अपने जो कागजात है वो वापस लेते हमारे लिए. चलो, उस चीज़ का अभी जवाब मुझे नहीं मिला है. कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कि हमारे साथ, हम मजलूमों के साथ क्या होगा. हम भी देखते हैं, आप जीत जाएंगे. उम्मीद की बात मैं करूं तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब कश्मीर का नौजवान साथ है तो उम्मीद है. वैसे है मुझे उम्मीद, गांदरबल के लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे. मैं उम्मीद करूंगी कि वो जैसे 2016 में वो मेरे बाबा के साथ थे, जब 2016 में मेरे बाबा को कहते थे कि बरकाती साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं. अभी भी ये नारा इंशाल्लाह मेरी कानों में गूंज रहा है कि गांदरबल से पहला यही नारा होगा कि बरकाती साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं. एक तराना कोई छोटा सा स्टैंड करते हैं जो अपने बाबा और अम्मी के लिए बनाया है. हाँ, मैंने अम्मी के लिए बनाया है कि लगिया मु कश्मीरी में है, लगिया मोजी में उशहोरुम चोन रचुन अजियाद प्यूम, चाइन दाद मोजी में दम गुम चोन रचुन अजियाद प्यूम. मोज असम दपन में खान मोजी, दपन अस मोज में मेन हूरी,
चानि नेर ना युत लकब दितुम चोन रछुन अजियाद पियुम। रही बाबा की बात, तो बाबा पे मैंने बनाया, उबजी लग या बेकसूर पानस मैंने उबजियो, यमो बुरखा बेकद खानस मैंने उबजियो, कुरान खानस बा ईमानस मैंने उबजियो, सुबुर हखा बेकद खानस मैंने उबजियो। इसका हिंदी में, हिंदी में थोड़ा सा इसको, इसमें मैंने बोला है कि उबजी मेरे बाबा, मैं आपको दिल से चाहती हूँ कि आप, मैं आपको क्या, मैं आपको उर्दू में आप, मैं इस कैसे ट्रांसलेट करूँ कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको यहाँ की हुकूमत ने जेल भरा है, आप हम उन्होंने हम बेसहारों का नहीं सोचा है, उन्होंने आपको जेल भरा है, आप हाफिज कुरान है, कुरान खानस भी ईमान और ईमानदार है आप, आपको यहाँ की हुकूमत ने जेल भरा है। और मैंने मम्मा को बोला है लगिया जी मैं उशहोरूं, मेरी माँ मैं आपको दिल से चाहती हूँ कि मैंने आपके लिए बहुत रोया है, चून रक्षुन आज याद पियूँ, आज मेरा अब वो बचपन याद आ रहा है जिस बचपन ने आपने, बचपन में आपने मुझे पाला है। चाइन दाइद मोजी में दम गोम, आपके दर्द से मैं फट गई हूँ मेरी माँ, चून रक्षुन आज याद पियूँ, बचपन का वो प्यार मुझे याद आ रहा है। जी शुक्रिया, शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।